हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इजीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के पिछले वर्ष पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, और ये इस वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। मैं आपको एक बार रिपीट करवा दे रही हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या बताया था। जो विटामिन होता है उससे हमारी बॉडी को कोई भी कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, और यह हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करती है, और यह शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसे हमें भोजन के रूप में लेना होता है। विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई, और इसे फंक ने इसकी खोज की थी, कब किया था, 1911 ईस्वी में। और विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो बी सी होते हैं, और जो वसा में होते हैं वो ए डी ई और के होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब्जियों से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं, और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे हम विटामिन सी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह दिया गया है रासायनिक नाम होते हैं विटामिन के कौन कौन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिना, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन ए से रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोफ्थैल्मिया, मोतियाबिंद, और इसे शुष्क त्वचा व सल्की हो जाती है, ये रोग हैं इसके। और थायमिन होता है विटामिन बी, इससे हमें बेरी बेरी होता है, और सी से मसोड़े फूलते हैं, अस्थियों के चारों ओर स्राव होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया होता है, ये वयस्कों में होता है और ये बच्चों में होता है। और जो टोकोफेरॉल है विटामिन ई, इससे जनन शक्ति का कम होना, नपुंसकता होती है। फिलोक्विनोन विटामिन के, इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हम ये बता दे रहे हैं कि विटामिन बी के अंतर्गत कौन कौन से रासायनिक नाम हैं, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन भी बोलते हैं इसे, B5 पेंटोथेनोइक अम्ल होता है, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B11 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन। और यहाँ पर ये ट्रिक दी गई है, अब ये भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट में भी है, ये इसकी ट्रिक है। रैथ एक ट्रॉफी खाया, इसमें खाया साइलेंट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं रैथ, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है, आप ये देख सकते हैं। अगर नहीं देखा तो आप फर्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने इसे वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। और ये इसके भी बी के सभी पार्ट, बी के सभी रासायनिक नाम को याद करने के ऊपर ट्रिक दी गई है, आप ये देख रहे हैं। मैं इसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताऊंगी आपको इसे कैसे लगाना है। और यहाँ पर ये दिया गया है जो B12 होता है साइनोकोबालामिन, ये B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब हम टेस्ट सॉल्व करते हैं, जो भी विटामिन से पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है वो हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो ये फंक ने किया था। कब किया था, मैंने अभी आपको बताया, फंक ने किया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो इसमें ये विटामिन है जिसे सहायक आहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, RIB 2005 का क्वेश्चन है ये, तो ये विटामिन होते हैं जिसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ये गाजर है जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अलावा दूध, अंडा, पनीर और ये मछली के यकृत तेल में भी पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और रोग रोग कौन कौन से होते हैं इससे, रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, ये सारे रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो ये UPPCS 2015 का क्वेश्चन है, इसमें सारे लिखे हैं, मैंने आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन कब कब पूछे गए थे। इसका आंसर क्या होगा, यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो मैंने अभी बताया विटामिन ए की कमी से। किसमें विटामिन ए की प्रचुरता का स्रोत है सबसे ज्यादा, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थायमिन क्या है, थायमिन क्या होता है, ये किसका रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये B1 का थायमिक नाम है, B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। मैंने ये आपको ट्रिक से बताया था कि जो होता है थार निकट, जो इसका रासायनिक नाम है बी कौन सा है, ये B1 का है, तो इसका जो ट्रिक मैंने बताया कि थार निकट पैबावा फसा, तो इसमें जो था है वो B1 का है, तो ये B1 का
रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनो कोबालामिन। नेक्स्ट, शुष्क छिकोप का मनुष्य के में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं जो भी इसमें मैंने लिए हैं। साइनो कोबालामिन किसका रासायनिक नाम है, तो ये B12 है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्या है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है, वो विटामिन सी है, जो हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आपको जानना चाहिए, जैसे स्कर्वी हो गया और इससे मसूड़ों में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, जो भी ऑप्शन में दिया गया है उसमें आंवला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं, ये विटामिन सी है और इसे स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है इसमें ऑप्शन में, स्कॉर्विक एसिड, मैंने आपको बताया था रैथ एक टॉफी खाया, स्कॉर्विक एसिड रैथ B1B का हो गया, विटामिन ए और विटामिन बी का हो गया, और जो एक है उसका जो का है वो स्कॉर्विक एसिड के लिए है, तो इसका स्कॉर्विक एसिड ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, जो विटामिन डी होता है वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वो बॉडी में भंडारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए होता है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, मैंने आपको बताया था जो BC है, BC याद रखिए, BC को छोड़ के बाकी सभी वसा में घुलनशील है, तो इसमें बी दिया नहीं गया है तो इसका सी दिया गया है, तो ये जल में घुलनशील है, बाकी सभी A, D, E और जो K होता है ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है धूप से, तो ये विटामिन डी होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, और इससे बीमारी कौन कौन सी होती है, जो रिकेट्स होता है इससे बच्चों में होता है, और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया, और ये वयस्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछलियों के इकृत में के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो इसमें विटामिन डी होता है, जो मछलियों के मछली के यकृत तेल में इसकी प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का क्या नाम है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, विटामिन डी, यह इसका रासायनिक नाम है, मैं आपको ट्रिक भी बताई कि रैथ एक टॉफी खाया, जो कैल्सीफेरॉल है वो रै ए और बी हो गया, रैथ जो एक है इसका जो ये सी हो गया ए का, और ये का जो है ये कैल्सीफेरॉल के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, रैथ एक टॉफी खाया, रैथ एक जो टॉफी है जो टा होता है वो टोकोफेरॉल के लिए आता है, तो ऑप्शन में टोको है, ये टोकोफेरॉल हो जाएगा, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। और विटामिन के से कौन सी बीमारी होती है, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये टमाटर हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, इससे जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है, जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, पेलेग्रा की कमी से किसकी कमी के कारण होता है, तो ये नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन क्या है, ये B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और इसे इसका दूसरा अन्य नाम ही भी है निकोटिनेमाइड या नियासिन, दो नाम बोलते हैं। और यह पेलेग्रा होता क्या है, ये त्वचा का दाद होता है। और यहाँ पर ये जो राइबोफ्लेविन दिया गया है ये किसका रासायनिक नाम है, ये है B2 का। नेक्स्ट, और भी दिए गए हैं, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, और जो फॉलिक एसिड दिया गया है ये V11 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित में से कौन सा रोग होता है, तो इससे B1 यानी कि बेरीबेरी होता है। नेक्स्ट, BE का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, BE का महत्वपूर्ण स्रोत जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें गेहूं का अंकुर का जो तेल होता है ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और इसके अलावा इससे ऑस्टियोमलेशिया होता है जो वयस्क में होता है, रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं यानी मेल नहीं खाता है, तो इसमें ऑप्शन में क्या है, विटामिन ए है, ये ऑप्शन में गलत है,
स्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी के लिए है, स्कर्वी, इसे स्कर्वी होता है। थायमिन B1 का रासायनिक नाम है, वेरी वेरी होता है। और ये विटामिन के, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम विटामिन के का टोकोफेरॉल, और इसे रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, घातक रक्तालपा यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन डी की, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में B2 सही नहीं है, विटामिन B2, पॉट का तेल, ये तीनों सही है। विटामिन B6 से धान चोकर में पाया जाता है, विटामिन ई गेहूँ के अंकुर तेल में, विटामिन के अल्फा अल्फा में, ये अल्फा अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन वसा में विलेय नहीं? मैंने आपको बताया था बी सी को छोड़ के बाकी सभी वसा में विलेय हैं, इसमें बी सी दिया गया होगा, बी दिया गया है तो वो वसा में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये विटामिन ए होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। बीमारी कौन सी होती है? रतौंधी, जेरोफ्थैल्मिया होता है, ये दूध, ठंडा पनीर इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट, सनशाइन विटामिन है, विटामिन डी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो इसमें ये जो पहला है फॉलिक एसिड, ये विटामिन B11 का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। रोग कौन कौन से होते हैं? स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? तो इसमें अरक्तता, एनीमिया हो जाता है। और ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम भी याद कर लीजिए, पाइरीडॉक्सिन होता है। और इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं, और ये पाया किस में जाता है? यकृत, मांस या अनाज में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसमें जो विटामिन के है ये सुमेलित नहीं है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, B1 से त्वेरी बेरी थायमिन होता है, और नियासिन किसका रासायनिक नाम है? V3 का है, और इससे पेलेग्रा होता है यानी कि त्वचा का दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है? तो विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था इसमें सारे रासायनिक नाम दिए गए हैं, तो बी और सी आपको छोड़ देना है। तो बी के जो भी रासायनिक नाम है आप यहाँ पे देख रहे हैं, टोकोफेरॉल विटामिन ई का है, नियासिन वो B3 का है, और साइनोकोबालामिन तो ये बी का है तो ये कट जाएगा। अब सी में देख लीजिए, ऑप्शन सी में स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि स्कॉर्बिक एसिड BC होता है, तो ये भी कट गया। और इसमें B1 में B1 दिया गया है तो ये भी कट गया, ऑप्शन में एक ही बचा, आप ये लगा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका स्रोत है? ये विटामिन ए का, ये UPPCS 2015 का सवाल है। नेक्स्ट, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो जो खट्टे फल होते हैं, आंवला। नेक्स्ट, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन थायमिन B1 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? मैंने बताया है BC को ऐड कर लीजिए, BC इसमें दिया गया है, बी ये पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? जो विटामिन ए होता है इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। किसे एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं? ये भी विटामिन ए होता है। नेक्स्ट, ऑस्टियो मलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑस्टियो मलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी यहाँ पर दिया गया है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।